जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकियों ने कायराना हरकत को अंजाम दिया है। जम्मू के सुंजवान मिलिट्री स्टेशन पर सोमवार को आतंकियों ने गोलीबारी कर दी। इस हमले में सेना का एक जवान घायल हो गया है। रक्षा अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है और कहा है कि जम्मू के सुंजवान मिलिट्री स्टेशन में आतंकियों ने बेस के बाहर गोलीबारी की, जिसमें सेना का जवान घायल हुआ। हमलावरों का पता लगाने के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू के सुंजवा कैंप पर सुबह 11 बजे आतंकी पहुंचे और फायरिंग कर दी। आतंकियों ने 200 मीटर से गोलियां चलाई। गोली सीधा सेंट्री पोजीशन पर तैनात जवान को लगी। जवान को चोटिल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया। आतंकी करीबन 2 से 3 की संख्या में बताए जा रहे हैं। आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है और इससे पहले जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। ये एनकाउंटर 28 अगस्त को बुधवार की देर रात खेड़ी मोहरा लाठी और दंथल इलाके में शुरू हुआ था। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर कर घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम कर दिया था और इसमें 2 आतंकवादी मारे गए थे। ठीक इससे पहले 14 अगस्त को भी जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस दौरान भारतीय सेना के 48 राष्ट्रीय राइफल्स के एक कैप्टन शहीद हुए। वहीं भारतीय सेना ने 4 आतंकियों को मार गिराया था। एक तरफ आतंकी हमला हुआ है तो दूसरी तरफ लोकतंत्र की ताकत भी देखने को मिल रही है। 22 साल बाद 2024 में एक बार फिर से 1 अक्टूबर को हीरानगर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होने जा रहे हैं। ये संयोग ही है कि इस दिन की यादें ताजा होंगी, जब लोग आतंक के खिलाफ अपने वोट की ताकत से जवाब देंगे। हालांकि सुरक्षा की चिंता बनी हुई है, क्योंकि आतंकवादियों की घुसपैठ और जम्मू संभाग में उनकी मौजूदगी सुरक्षा बलों के लिए एक चुनौती बनी हुई है। आपको बता दें, 2002 की उस सुबह आतंकियों ने बस पर हमला करने के बाद हर दिशा में गोलियों की बौछार की थी, जिसमें कई निर्दोष मारे गए थे। हीरानगर थाने के साथ साथ इलाके में आतंकी वारदातों में शिकार लोगों की संख्या भी कम नहीं है। इस साल सुरक्षा बलों ने हीरानगर के सैडा सोहल गांव में 2 आतंकियों को ढेर किया था, लेकिन अब भी क्षेत्र के लोग चुनाव के दौरान सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध चाहते हैं। इस बार चुनावी माहौल में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खास तैयारी की जा रही है, ताकि 2002 के दर्द को वोट की ताकत से सही मायने में जवाब दिया जा सके। अगर जम्मू में इस साल हुई आतंकी गतिविधियों पर नजर डालें तो साल 2024 में 16 जुलाई तक जम्मू में 11 बार आतंकी हमले किए गए हैं, जिसमें 12 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं और 10 नागरिकों की मौत हुई है। इन हमलों में 55 लोग घायल भी हुए हैं। इस साल जुलाई महीने में अब तक 3 बार आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में हमला बोला है, जिसमें 9 सैन्यकर्मी शहीद हुए जबकि पांच जवान घायल हुए। इस साल जून के महीने में जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा आतंकी हमले हुए। पिछले महीने 4 बार आतंकियों ने हमला किया, जिसमें कई जवान और तीर्थयात्री मारे गए। 9 जून को कटरा के पास रियासी इलाके में आतंकियों ने तीर्थयात्रियों की बस को ही निशाना बनाया था। जम्मू में हुए इस साल आतंकी हमलों से निपटना काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। अभी तक सिर्फ 5 ही आतंकियों को ढेर किया गया है। दरअसल अब आतंकी उन इलाकों में हमले कर रहे हैं जहां घने जंगल ज्यादा हैं। हमला करके आतंकी उन्हीं रास्तों से भाग रहे हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि आतंकियों ने नए इलाकों को टारगेट बना लिया है, जहां पर सुरक्षा कर्मी कम तैनात रहते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।